हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको जय सेवा लाल। एक अंकल जी है जिन्होंने काफ़ी कुछ बताई है बंजारों के रिलेटेड, और उन्होंने जो भी बोला है ना एकदम बढ़िया बोला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक तरह से ये वीडियो जो है रिएक्शन वीडियो होने वाला है, और बाद में मुझे भी आप लोगों को कुछ बातें बतानी है, मैं लास्ट में बताऊँगा, पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मुस्लिम अंकल जी है, बावजूद इसके उन्होंने गोरबोली में काफ़ी कुछ बातें बताई है, तो आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। और वीडियो को देखकर पूरा आपको क्या लगता है आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। और अपने दोस्तों को आप एक काम नहीं करते यार, आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ही नहीं करते, आप देख लेते हो बस चले जाते हो। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना चाहिए, जिससे होता ये है कि वो लोग भी वीडियो को एंजॉय कर पाते हैं, वो भी काफ़ी कुछ जान पाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हेलो, ये नोना संस्कृत वर्ड लूणे लवण व्यक्ति लवण 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 आड़ भाषा में लंबाणी मेगी और बंजारा का समाज नाम पड़ी ये स्टडी कर लो। बंजारा ई अरेबिक वर्ड इंडिया वर्ल्ड का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, का फारसी एंड अरबी दो ही वर्ड बंजारा वर्ड है। इसको बंजारा मीन्स सवार दूसरा बंजारा अरेबिक वर्ड है। अलेमारी जनांगा अरबी एंड फारसी दो ही वर्ड बंजारा एयर मीनिंग कुछ भी एनसाइक्लोपीडिया में कड़न दिटे तो बंजारा अरबी एंड फारसी तिहाइकोन बंजारा मीन्स अलेमारी जे सारो हमने बंजारा नाम पड़गी कत्ते दाणी हम स्टडी करा ना कर करे ने जत्ते तो ने हमार माई मूल गोरमाटीर संस्कृति खुड़ती डगर जाओ। आज एक एग्जांपल दे दो, हम पेना बारकी में थे मरा रेलवे इंजीनियर है, हमने पहाड़ पोषण मोट की देश बन गोरमाटी अन जन्ना पेटिया काचड़ी घूगरा उगण अन आरसी की सिंघालन एक हिस्टोरिकल ड्रेसिंग ड्रेसिंग मटेरियल व्यक्ति जना गोरमाटी अगर की असर मैंने खेद अंसाई सर इफ यू डोंट माइंड आज बंजारा जागृति वेदिके तो मैं हूँ समझो तो अपन बाई घोड़े जैसे फेटिया काचड़ी घालता नहीं अन धोती गीती फिराता नहीं अत जैसे काय तो और एक्सप्लेनेशन करच काय कहता नहीं सही मारे सजेशन नेक्स्ट यू हैव प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम यस यस ओके आज इसे भूल गए आज हम काय कह रहे थे मॉडर्नाइज। अरे भाई मूल यावदे धर्म कौन सी भी धर्म रखा नहीं अपन धर्म अपने श्रेष्ठ मैं मुस्लिम छू मार धर्म मन श्रेष्ठ बट हेमे विषय काय कर तो मैं गोरमाटी मै मोटो नाटक वेगो छू गोरमाटी भी एक मन हेमे विषय गोरमाटी भी एक मन हेमे विषय आज खेद अंसाज कौन सी भी तांडे माई एक तो ये गोरमाटी तांडो हाव काव कजू मेजाव का कहो मारे एक रिक्वेस्ट हर घरे में एक फेटिया काचड़ी मेलो इंशाल्लाह हर घरे में एक फेटिया काचड़ी मेलो तो देखन तो मैं गोरमाटी चू कर आज एक नव फैशन घरे में बेट बेटा नाम कतरा फर्स्ट क्लास याडी बापू भूल गए मम्मी ये मम्मी मीनिंग का हमने के तो मालूम था मम्मी मीनिंग के तो मालूम था। अरे भाई खो तो केन तो मालूम रहो मम्मी इजिप्त संस्कृति माही 100 वर्ष दी जापा डेड बॉडी शेकर ने करे ने मेले जे एक टेक्निक है ना मम्मी करन नाम छे ताई ए मॉडल पाठशाले ताई ए पादद कड़गड़े स्वर्ग इदे अंत हेळि हिरियर हेळिदारे अंत ताई गे नाव सत बॉडी अंत हेळि हेळ्तीवि नाव अंत मूर्खरप। ಅರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ತಂದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಈ ಡ್ಯಾಡಿ ಪದ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿ ಆಪ್ನೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇಖ್ ಲಿಯಾ ಅಂಕಲ್ ಜೀನೆ ಕ್ಯಾ ಬೋಲಾ। एक्चुअली एक मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने बंजारा संस्कृति के बारे में काफ़ी बातें बताई है। उन्होंने बोला कि हर घर में फेटिया काचड़ी रहना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो पुरानी संस्कृति है वो लोग भूलते जा रहे हैं आज के ज़माने में। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो संस्कृति है काफ़ी पुराने ज़माने से चलती आ रही है और इस संस्कृति को भूलना नहीं है, हर घर में फेटिया काचड़ी होना चाहिए करके उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की
हम एक माँ को मम्मी करके बुलाते हैं, और मम्मी किसको बोला जाता है? मम्मी, डेड बॉडी को मम्मी बुलाया जाता है, और ये इजिप्टियन संस्कृति है, और उसी माँ को हम मम्मी करके बुलाते हैं करके उन्होंने बताया। तो ये बात अलग है, लेकिन खासकर जो है उन्होंने गोरबोली में काफ़ी कुछ बताई आपको, और मतलब उन्होंने ये बात भी बताई कि मैं गौर लोगों में पला बड़ा हूँ, और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है। तो गौर लोगों की जो संस्कृति है काफ़ी पुरानी संस्कृति है, इसको बचा कर रखना, जिंदा रखना काफ़ी ज़रूरी है। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग भूलते जा रहे हैं, हमें नहीं भूलना है, क्योंकि कई समाज है जो अपने संस्कृति को भूल चुके हैं आज के ज़माने में, लेकिन गौर लोग वो है जो आज तक अपने संस्कृति को चलाते आए हैं, अभी तक नहीं भूले हैं। लेकिन अभी से कहीं ना कहीं ये जारी है कि लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसे भी नहीं भूलना है, इसलिए उन्होंने कुछ बातें बताई है। वैसे उन्होंने जो कहा उसको लेकर आप क्या मानते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। वैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने दोस्तों को वीडियो लिंक शेयर नहीं करते यार, शेयर ज़रूर करना। शेयर करने से ये वीडियो जो है हर लोगों तक पहुंच पाएगा, तो ये हमें भी खुशी होगी, और वीडियो भी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है लोगों को पता चलेगा, तो ये ज़रूर कर देना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय, और जय सेवालाल।